धानका जनजाति समाज के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के प्रशासन के अधिकारियों की ओर से की जा रही मनमानी व परेशान करने की नीति के खिलाफ समाज के सदस्य अब आंदोलन करेंगे। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति के अध्यक्ष मुकेश बावलिया ने यह घोषणा की। बावलिया ने पत्रकारों को बताया कि प्रशासन के अधिकारी धानका और धानका में अंतर मान रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 40-50 साल से हिंद अक्षर नए के स्थान पर अब नए अक्षर का उपयोग होने लगा है। मौजूदा समय में प्रशासन, न्याय, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों सहित आम बोल बाल में भी नए लुप्त हो चुका है। इसके बावजूद प्रशासन के अधिकारी नए अक्षर को लेकर बेवजह धानका समाज के सदस्यों को तंग करते हैं। बावलिया के अनुसार अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ 23 मई को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में सरकार से अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने का आग्रह किया जाएगा। प्रेस वार्ता में गोकुल धानका, माता दीन धानका, हरदयाल धानका, लखीराम धानका, चंद्रशेखर धानका, श्यामलाल धानका, कैलाश चंद धानका, गौरीशंकर धानका सहित काफी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद रहे। धानका जनजाति समाज के सामने जाति प्रमाण पत्र को लेकर के प्रशासन के अधिकारी मनमाने ढंग से अड़चने पैदा कर रहे हैं। आज वो कहते हैं कि अणे शब्द को ही हम धानका के रूप में स्वीकार करेंगे, धानका जो नए शब्द है इसको नहीं करेंगे। हकीकत यह है कि अणे शब्द विलुप्त हो चुका है और आज नए अणे का स्थान ले लिया है, लेकिन ये अधिकारी जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं। हम सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि इन अधिकारियों पर अंकुश लगाए और इनकी मनमानी को रोके। अगर ये ऐसा ही करते रहे तो हमें सरकार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी बात अगर ये नहीं मानेंगे, हम इनका घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।